आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई, तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप, हाथ जोड़ बोली कन्या बतलाओ मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म तुम जाके उनके घर, फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया। राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया, त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। समझाया अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का।
फिर भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया। करना है मुझको तप, माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन। बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रे। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी? देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता, मुझको दे दो आशीर्वाद। प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है यार। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। मात पिता की प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए। देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ। बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं तो।
दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुआ था जिसका श्रीधर नाम, माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन, गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता, अति निर्धन हो सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान, माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेरी करती नहीं ख्याल, क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ, बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी, रोज की तरह किया कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन, हाथ जोड़ कर कन्या से कुछ पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन
परीक्षा है मेरी, मुझको लगता है यार। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरोनाथ का डेरा भी था रस्ते में पाया। हाथ जोड़ कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। कैसे भंडारा लाया, उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर की बात अचंभित भैरो बड़ा हुआ, गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, है वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए, बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पकड़ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं।
गुफा में वो भैरव अभिमानी। माता को आभास हुआ अपना त्रिशूल उठाया, गुफा के पिछले भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन, जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ, कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भुजाधारी वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर, काट दिया सर भैरव नाथ का गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ, किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरी मैंने इंसाफ किया, हे भैरो ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा, जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे, मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुनिया में धाम नहीं है दूजा, फौजी सुरेश और डीएस पाल तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावैष्णो रूप में क्यों
यहाँ बन।